कोरोना का कहर लगातार जारी है। बक्सर जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 24 हो चुकी है। बता दें कि एक्टिव मरीज में सबसे अधिक प्रवासी लोग हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है और सभी लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील कर रहा है। तो बक्सर में बढ़ते कोरोना के कहर ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। बता दें कि बक्सर जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 24 हो चुकी है। तो बक्सर में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है, लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या 24 हो चुकी है। बता दें कि एक्टिव मरीज में सबसे ज्यादा लोग प्रवासी हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है और सभी लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की अपील कर रहा है। और समस्तीपुर में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक महेश्वर हजारी ने छकन टोली पहुंचकर अग्निकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस दौरान मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। वहीं अग्निकांड में पीड़ित 22 परिवारों के बीच भी 9,800 प्रति लाभों के दर से चेक प्रदान किया। मौके पर समस्तीपुर अनुमंडल पदाधिकारी और कल्याणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि छकन टोली में शुक्रवार की रात अचानक आग लग गई थी, जिससे 1.5 दर्जन से अधिक घर कर राख हो गए और एक ही परिवार के 3 लोगों की भी मौत हो गई। अग्नि देवता शांत हुए, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तीन तीन लोग मृत्यु हो गया इसमें। तो हम लोग बिहार सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपया का जो सरकार की तरफ से मिलता है, 4-4 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया, 20-20 हज़ार रुपया और 9,800 रुपया 22 आदमी को, प्रत्येक आदमी को दिया गया है। और भी जो चीज़ होगा, जैसे गरीब लोगों को, जिन लोगों को जो विधि सम्मत होगा, सबको मकान का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन लोगों को भी सबको दिलवाया जाएगा।